तोरबाज मूवी जिसमें आपको नजर आएंगे संजय दत्त, आइए करते हैं उसका रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने किया था ऐलान कि इस मूवी को दोपहर को रिलीज किया जाएगा। क्योंकि ये मूवी ग्लोबली रिलीज हो रही है, इसीलिए इंडिया में ये दोपहर को हुई है रिलीज। अब जो कि ये रिलीज हो चुकी है, आइए अब इसका रिव्यू शुरू करते हैं। कास्ट की बात करें तो संजय दत्त, राहुल देव और नरगिस मेन किरदार निभाते हुए आपको नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गिरीश मलिक। गिरीश मलिक की बात करें तो वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी अच्छी डायरेक्शन, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी और बड़ी बात यह है जो हमें सुनने को आया है कि 15 करोड़ का बजट था इस फिल्म का और 15 करोड़ में काफ़ी अच्छी फिल्म को बना दिया है मेकर्स ने। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो संजय दत्त ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन राहुल देव ने काफ़ी देर बाद कमबैक करके बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और एंड नरगिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड। अब तीनों की परफॉर्मेंस की बात करिए, अब स्टोरी की बात करता हूँ तो संजय दत्त रिफ्यूजी कैंप के बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे टेररिस्ट हैं, क्या वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, क्या वो अपनी और लोगों की जान लेते हैं, ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। लेकिन क्या साजिश रची जाती है इस कहानी में, ये आपको हैरान कर देगी। ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो अंत में जाके चीज़ें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं जो अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, लेकिन फिल्म की परफॉर्मेंस, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म की डायरेक्शन, फिल्म की एक्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया थी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू था। यानी सेंसिटिव इशूज़ को जो डायरेक्टर बनाते हैं तो एक सिर पे प्रेशर ज़रूर रहता है, क्योंकि ऑडियंस या कोई भी क्रिटिक्स किसी भी तरह की आपत्ति कर सकता है और जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी तो सेंसर भी कोई ना कोई आपत्ति लगा सकता है। लेकिन सेंसिटिव इश्यूज़ को जो डायरेक्टर्स करते हैं या जो एक्टर्स सेंसिटिव इश्यूज़ वाली फिल्म को करते हैं, उनको हमारा सलाम है, क्योंकि ऐसे सिनेमा को रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात होती है और इसी बड़ी बात की दाद देते हैं हम इस फिल्म को। ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया थी, संजय दत्त का काम बहुत अच्छा था, राहुल देव का काम बहुत अच्छा था, फिल्म की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और लोकेशन वाइज भी फिल्म को बहुत अच्छे मार्क्स देने का मन कर रहा है। अब फिल्म की ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो वी विल गो विद 3 स्टार्स बिकॉज फिल्म वॉज अ लिटल बिट प्रेडिक्टेबल, परफॉर्मेंस गुड थी और थोड़े से VFX और ग्राफिक्स अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते तो काफ़ी मज़ा आता। और हमें बॉलीवुड से ये उम्मीदें हैं कि ऐसी ही फिल्म्स वो जल्द लेके आते रहें और संजय दत्त को देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और फिल्म में एक मैसेज भी है जिसके बारे में आप ज़रूर विचार करेंगे फिल्म देखने के बाद। सो आई विल रिकमेंड इट, यू कैन वॉच इट ऑन वीकेंड्स। तो दोस्तों, और मूवी रिव्यूज़ के लिए, बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा मुझे यानी अभिषेक को और बूगल बॉलीवुड को।